हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कीवर्ड वाइज में। यहाँ पे हम किसी एक इशू को कीवर्ड्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको इसको रिवाइज करने में कम से कम समय लगे और सारी मेन जो पॉइंट्स है उसके आपके रिवाइज हो जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि है क्या। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो कि ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है? तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, उसके हिसाब में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, एक इंसान के एक गुड क्वालिटी लाइफ उसको जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें उसे मुहैया होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ये हेडक्वार्टर्ड है फ्रेंड्स लंदन यूके में। और इसके मेंबर्स कौन हैं और सब्सक्राइबर्स कौन हैं? तो 150 प्लस कंट्रीज़ के 7 मिलियन से ज़्यादा लोग, 70 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं और यहीं इसके डोनर्स भी हैं, यानी कि इन्हीं के दिए हुए पैसों से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी। पीटर बेनेसन नाम के एक लॉयर थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बेसिकली एक घटना से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जब दो पोर्तुगीज स्टूडेंट्स को फ्रीडम के लिए टोस्ट करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो इसी के खिलाफ उन्होंने उस अपने एक न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने ये टर्म क्वाइन किया, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्सेंस। और इसको काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों का और ये एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया और तब से ये हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता आ रहा है और कई जगह इसे सफलताएं भी मिली हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्सेंस होते क्या हैं आखिर। तो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्सेंस वैसे लोग होते हैं जिनको इम्प्रिजन किया गया है, जेल में डाल दिया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन और पॉलिटिकल व्यूज़। इन सारे कारणों की वजह से जिनको प्रिजन इम्प्रिजन कर दिया जाता है उन्हें हम प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शंस कहते हैं। इसके अलावा ये हमेशा टॉर्चर और कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट बोलती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और टॉर्चर और कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश करना चाहती है। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर जो है, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये रन करता है एक इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के द्वारा, जिसे हम आईएस के नाम से भी जानते हैं, और इसको ओवरसी करता है इंटरनेशनल बोर्ड आईबी। हम इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में भी जानेंगे जिसको ग्लोबल असेंबली के द्वारा चुना जाता है, लेकिन पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के बारे में। इसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड रिपोर्ट। ये रिसर्च करता है और रिपोर्ट बना के एमनेस्टी इंटरनेशनल को देता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर कैंपेनिंग। देखिए, कैंपेनिंग तो करनी पड़ेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल को अगर उसको ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी है। तो जो कैंपेनिंग हुई उसको एक्चुअल में ये सेक्रेटेरिएट वाले लोग कैंपेनिंग नहीं करते, उसे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कैंपेनिंग कर पाए। जो कैंपेनिंग करते हैं उन्हें हम सेक्शंस कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक लिमिटेड कंपनी है जो कि यूके के रूल्स के हिसाब से बनी हुई है, और इसके अंदर दो कंपनीज आती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल चैरिटी लिमिटेड, जो कि कंप्लाई करती है यूके के कानून के हिसाब से। और जो इसका मेन पर्सन होता है, सीईओ होता है, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। अब हम जानते हैं कि सेक्शंस क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं और इंडिविजुअल्स क्या हैं और नेटवर्क्स किन को कहते हैं। तो हमने पहले कहा था कि जो लोग कैंपेनिंग करते हैं उन्हें हम सेक्शंस कहते हैं। तो सेक्शंस जो हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं बहुत सारे, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मेंबर्स हैं, जो कि नेशनल और रीजनल लेवल पे काम करते हैं। इनका काम है कैंपेनिंग करना और फंड रेज करना। इसके अलावा और भी इनके काम है, रिक्रूट वगैरह। दूसरा टर्म आता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स जो हैं ये
एज अ सेक्शन ही काम करते हैं, बट ये लोअर लेवल पे, जैसे टाउन के लिए और वर्क प्लेस लेवल पे। तो किसी वर्क प्लेस पे कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मेंबर है, और इनका भी काम वही है, कैंपेनिंग करना, फंड रेजिंग करना, रिक्रूट करना नए मेंबर्स को। इंडिविजुअल, अब ये टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये तीन तरह के लोगों के लिए किया जाता है, मेंबर्स, सपोर्टर्स और एक्टिविस्ट्स। मेंबर्स जो वो होते हैं जो प्रॉपर मेंबर बनते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, और वो मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं। सपोर्टर्स वो है जो जस्ट रजिस्टर करते हैं और डोनेशन देते हैं, जिनको एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम पसंद आता है, और एक्टिविस्ट्स तो हैं ही। नाउ अब नेटवर्क्स के बारे में जानते हैं। नेटवर्क्स भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, जिनकी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज होती है, और उस एक्सपर्टीज के आधार पर वह ह्यूमन राइट्स इशू को रेज करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में। तो इंटरनेशनल बोर्ड में 9 मेंबर्स होते हैं, और इसके 1/3 मेंबर्स, 9/3 जो लिखा है उसको 1/3 समझिए, हर साल जब जनरल असेंबली की मीटिंग होती है एनुअली, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली ये ग्लोबल असेंबली है, सॉरी फॉर दैट, इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें ये 1/3 मेंबर्स को फिर से री इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी आदमी को दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है सिर्फ एक बार, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक ही मैक्सिमम कोई आदमी काम कर सकता है, और इनके मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। और आईबी का काम क्या है, ये ओवरसी करता है सेक्रेटेरिएट को। अब हम जानते हैं इसके अचीवमेंट्स एंड वर्क्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स में इसकी बिगेस्ट अचीवमेंट है कि इसको नोबेल प्राइज़ मिला है, पीस का नोबेल प्राइज़ 1977 में। किस लिए मिला है? फॉर डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, इसके लिए, इस टाइटल के अंदर इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप इससे जान सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कितना भरोसेमंद है और अच्छे काम करता है। इसके अलावा इसने किन किन फील्ड्स में वर्क किया है, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के प्रॉब्लम्स आए हैं लोगों को, उसमें इसने हेल्प किया है, उसके लिए आवाज़ उठाई है लोगों के बिहाफ पे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई है। अबॉर्शन, जो कि रेप के बाद और हेल्थ इश्यूज के वजह से अबॉर्शन जो ज़रूरी होता है, उसके पक्ष में इसने आवाज़ उठाई है। इराक में जो 2003 में वार हुआ था, और 2008 तक वहाँ ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, इसको भी लाइट में लाने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल ही था। इसके अलावा एक ऑपरेशन कास्ट लीड था, जिसमें इसराइल ने पैलेस्टाइन पे, इसराइल और पैलेस्टाइन का वॉर हुआ था, जिसको गाज़ा वार, गाज़ा मैसेकर और हमास मूवमेंट भी कहते हैं। इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरा वोकल होके इसराइल के ख़िलाफ़ वार क्राइम का आरोप लगाया था, और इसके बाद ही इसराइल से एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए थे। उसके बाद इसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन पे कार्यवाही करने के लिए आवाज़ उठाई थी। उसके अलावा जो वार क्राइम श्रीलंका में हुआ था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, उसके लिए जब यूएन इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने ब्रांच जो कि इंडिया में थी, उसको यूएन को हेल्प करने के लिए बोला था। तो हर जगह हम देख सकते हैं कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। अब हम जानते हैं करंट इशू क्या है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो हुआ ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अभी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, इसके कई सारे कामों में वो बाधा डाल रही थी, या फिर वो ह्यूमन राइट्स को, जो हमारा कंडीशन है इस देश में, उसको उजागर कर रही थी सो कॉल्ड। तो उस हुआ ये है कि ईडी ने, जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए हैं। इसके अलावा 2019 में सीबीआई की रेड भी पड़ी थी,
तो इसका कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बता रहा है वो है कि ये गवर्नमेंट की बुराई कर रहा था इसलिए पड़ा है रेड, और ये जम्मू एंड कश्मीर के मामले पे और दिल्ली राइट्स के मामले पे गवर्नमेंट के क्रिटिकल था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट इसको विच हंट कर रही है। विच हंट बोले तो गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे पड़ गई है इसको और बिल्कुल ही उसको उखाड़ के फेंकना चाहती है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्लेम है। गवर्नमेंट इसको किस बेसिस पे यहाँ से इंडिया से इसको बैन कर रही है या फिर इसके अकाउंट्स को सीज कर रही है, उसका कारण इन्होंने दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो FCRA के वायलेशन में है, FCRA के वायलेशन में, और ये रजिस्टर्ड नहीं है FCRA के अंतर्गत। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड नहीं है, और जो फंड्स इसके आते हैं वो पहले एक गवर्नमेंट की परमिशन थी उसके हिसाब से आते थे, अब FCRA के अंदर नहीं आते, ये FDI रूट से आते हैं, जो फंड्स आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, और FDI रूट्स के आने की वजह से इसको कंपनी वर्क करने की इजाज़त है उस पैसों से, ना कि एक NGO का वर्क करने की इजाज़त है, और इसीलिए इसके अकाउंट्स को सीज़ किया गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्या रोल्स हैं, और जो गवर्नमेंट ने किया वो सही है या गलत है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।